आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग विज्ञापन लेखन के ऊपर एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, चश्मा बनाने वाली कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 से 60 शब्दों में एक सुंदर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो जैसे विज्ञापन लेखन के उत्तर में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, विज्ञापन लेखन। फिर यहाँ पर जैसे उसका एक नाम दे दिया हूँ मैंने, वो है पटेल चश्मा, और उसके ऊपर में हमको एक आयताकार बाक्स है यहाँ पर बनाना है। फिर इसके जो बाएँ भाग है उसमें हम स्लोगन लिखते हैं, क्योंकि स्लोगन जो है ना वो विज्ञापन का जान होता है। यहाँ पे स्लोगन देखिए कि एक अक्षर भी नहीं धुंधलाएगा जो पटेल चश्मा लगाएगा। फिर इसके दाएं भाग में, राइट हैंड में, हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, उसमें एक चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र जो है ना वो विज्ञापन को काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, वास्तविक बनाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, दो इस प्रकार से गोल बनाने हैं और यहाँ पर एक चश्मा का आकार आपको देना है। उसके बाद इसकी विशेषताओं को हम जाएंगे, जो कि हम लिखते हैं बाएं भाग में। इसका पहला विशेषता है ये धूप एवं पावर वाला चश्मे, दूसरा है सुंदर एवं मजबूत फ्रेम, तीसरा है नई डिजाइनों में उपलब्ध, चौथा है सभी पर एक साल की वारंटी। उसके बाद इस प्रकार के एक आकार बना देते हैं, और इस आकार को बनाने के बाद इसके अंदर में छूट, इस प्रकार के आकर्षक चीज़ों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि पावर वाले चश्मे में 20% छूट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इसका बायां भाग है उसमें हम लिखेंगे लास्ट में कि सभी दामों में उपलब्ध। फिर नीचे में फिर से इस प्रकार की आकृति बनाकर इसमें स्लोगन को लिखेंगे, ताकि पढ़ने वाला आखिरी तक पढ़े और ध्यान से पढ़े। ये स्लोगन है कि लेटेस्ट फैशन और कम दाम, पटेल चश्मे की है ये पहचान। फिर नीचे में एक छोटा सा आयताकार बॉक्स बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो निर्माता है वो है पटेल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर 9900++++22। इस विज्ञापन को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो विज्ञापन लेखन है आपको कैसा लगा और किन विषयों पर आप विज्ञापन लेखन देखना चाहते हैं।